मुझे अभी भी पता है कि फोन पर ना बिल्डर ही था और मैं उसे प्रूव करके रहूंगा एक दिन। माँ, उस दिन आप बिल्डर से ही बात कर रही थी ना फोन पर। उससे ज्यादा हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। टिमली ने ऐसा क्यों कहा इसकी वजह मुझे पता चल गई। आप तो बागवानी करती है ना, तो आजकल हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा जोर है। ये कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे कहाँ से, कौन देगा मुझे? कोई ना कोई तो देगा। सपने मत दिखाइए आप मुझे। सपने ही साकार, अब देखे तो सही। दवा खा ले ले। यार कम से कम दवा तो बॉक्सर की तरह मत खिला। अरे यार यही स्टाइल है मेरा। अच्छा ठीक है, बिमली जी ये लीजिए, दवा खा लीजिए। आप जल्दी ठीक हो जाऊंगी। खा ले। क्या बात है टिमली, क्या सोच रही है? मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग सही हो कि मैं। मतलब उस दिन मैं बिल्डर से ही बात कर रही थी कि नहीं? टिमली पिछले 4 दिन से तो इसी टॉपिक पर हंगामा कर रही है और अभी तक वहीं पर अटकी हुई है। यार क्योंकि मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि मां बिल्डर से बात नहीं कर रही थी। तुमने सुना नहीं मां ने क्या कहा? ऐसी बातें तो वो सिर्फ उस बिल्डर से ही बोल सकती है ना। पर पता नहीं क्यों तुम तीनों इस बात को नकार रहे हो। देखो तिमली, अगर मां इस बात को नहीं बताना चाहती है तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। पर क्या मां की जिंदगी में भी कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो हम तीनों बहन से शेयर नहीं करना चाहती? हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, पर्सनल लाइफ होती जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन दी, हम लोग माँ की लाइफ में कोई नहीं है, उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तुम सही कह रही हो टिमली, पर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तुम किसी से शेयर नहीं करना चाहती। हाँ दीप, वैसे तो मेरी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं है, पर अगर होता तो शायद मैं भी शेयर नहीं करना चाहती। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई राज छिपा के रखता है और उसे पूरा हक है कि वो किसे बताना चाहता है और किसे नहीं। फिर माँ को क्यों नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप दी। पर दी, उस दिन मां फोन पे बात करते वक्त बहुत अपसेट थी। मां से बात हुई तुम्हारी इस बारे में? हाँ बात की थी। मां बहुत नाराज भी हो गई थी और दुखी भी। पर मां ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुमने उनकी डिसरिस्पेक्ट की? क्या तुम्हें ये नहीं बताया मां ने कि वो बहुत दुखी है क्योंकि तुमने उनकी बात छिपकर सुनी? दी, मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की है उनकी। और माँ की कोई बात हमसे अलग कैसे हो सकती है? नहीं टिमली, माँ ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमें कोई हक नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल दे। फिर माँ को भी तो ये हक है ना कि वो अपनी बातें अपने तक ही रखे। नहीं दी, मैं नहीं मानता। माँ के लाइफ की कोई भी बात हमसे अलग नहीं है, हमसे जुड़ी हुई है। और मैं ये जानकर ही रहूंगा कि उस दिन माँ फोन पे किससे बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि एक बात तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि जिंदगी हमें कुछ सबक सिखाती है और इस सबक से हम कुछ सीख लें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। Thank you.
अरे यार, अरे स्टार्ट हो जा मेरी माँ, स्टार्ट हो जा ना। बेशरम, क्या कुछ नहीं किया यार मैंने तेरे लिए। सर्विसिंग टाइम पे कराई, अपने हाथ से तुझे सुबह सुबह धोता हूं मैं, फिर भी तुझे चैन नहीं। मैं देख लूंगा, इसको छोड़ूंगा। किससे बातें कर रही हो? इससे बात कर रहा हूं दी, इससे, मेरी स्कूटर से। इससे कहने से क्या होगा? क्या होगा मतलब? कम से कम इसे थोड़ी तो शर्म आएगी। दिन रात एक बंदा आपकी सेवा में लगा रहता है और आप उसे ये सिला देते हैं? टिम्मी, ये स्कूटर है। दी, तो मैंने कब कहा कि ये हवाई जहाज है? टिम्मी, ये बोल सुन नहीं सकती। हाँ पता है मुझे दी, लेकिन इसे थोड़ी सी शर्म तो आएगी। इधर मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है और ये नखरे दिखा रही है। अरे कुछ तो फील होता होगा ना इसको भी। टिम्मी बस कर, लोग सुनेंगे तो पागल बोलेंगे तुम्हें। स्कूटर से बात कर रही है। हाँ तो क्या करूँ मैं? अच्छा एक काम करो, तुम इसे यहीं छोड़ दो और ऑटो से चली जाओ। लौटते वक्त इसे मैकेनिक के पास लेके चली जाना। मैं ऑटो से जाऊँ इसके रहते और 100 रुपए खर्च कर दूँ फजूल के? और मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे? पूछेंगे ना मेरे से कि टिमली क्या हुआ तुझे, तेरी स्कूटर कहाँ है? क्या जवाब दूंगा मैं? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी वहाँ पे? अरे तो कह देना ना स्कूटी खराब हो गई है, और आते वक्त स्कूटी ठीक करवा लेना तू मैकेनिक से। नो, नहीं नहीं ये सब मैं नहीं कर सकता। अच्छा एक काम करो, तुम पैदल ही कॉलेज चली जाओ। कोई पूछे तो कह देना कि तुम पूरी दुनिया पैदल ही चलोगी पेट्रोल बचाने के लिए। मुझे लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। मन करे इसका गला दबा दूं, टांगे तोड़ दूं इसकी। मैं गला टांग इसकी नहीं, मैं क्या करूं? अच्छा एक काम करो, तुम ऑटो से चली जाओ, पैसे मैं दे दूंगी। ओके रहने दो, मैं देख लूंगा। टिम्मी कभी किसी ने सुनी नहीं, पता नहीं लोग अपने आप को क्या समझते हैं। अरे क्या हो गया? हिम्मत देखो उसकी, हिम्मत देखो। अपने आप को पता नहीं समझती क्या है। अभी एक लात मारूंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। किसकी बात कर रही है तू? और ये क्यों तरीका है बात करने का? अरे माँ वो कुछ नहीं। दी, तुम तो रहने ही दो, बात मत करो उसकी। मेरा पास चले तो अभी उसको जाके बेच के आऊं मैं। अरे किसे बेचने की बात कर रही है? यार तुम लोग से तो बात ही करना बेकार। क्या हुआ ऐसे? किसकी बातें कर रही थी? अरे माँ वो अपनी स्कूटी की बात कर रही है। अच्छा चलो मैं उसे ऑटो तक छोड़ के आती हूँ, पता नहीं उसके पास पैसे हैं भी कि नहीं। हाँ भाई जा जा। स्टार्ट हो जा मेरी माँ, प्लीज स्टार्ट हो जा। अरे वाह ये तो कमाल हो गया है ना, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं इससे बेवजह बात नहीं करता। इसको सब समझ में आता है, बहुत अकल है इसको, ढीठ है, नखरे हैं और सबसे बड़ी बात मूड स्विंग्स आते हैं इसको दी, ये पागल है। अरे इधर उधर क्या देख रही होती? तुम्हें क्या लगता है कोई भूत बाइक ठीक करके गया है? अरे ये बाइक ही भूत बाइक है, खुद ही ठीक होती है। मुझे लगता है औरों की तरह ना इसे भी तुम्हारा गुस्सा होना पसंद नहीं है, इसलिए देखो तुमने प्यार से बोला और ये स्टार्ट हो गई। खैर जाने दो। अरे वो बिम्मी कहती है ना कि अरे इंग्लिश में क्या वर्ड है वो, हाँ इसे फुटेज खाने की बीमारी हो। चल।
मैं जाता हूँ। बाय। किसने गाड़ी खराब हो गई थी तो ठीक कर रहा था तो हाथ गंदे हो गए। गाड़ी या स्कूटी? टिमली की स्कूटी आपने ठीक की ना? गॉड, और हमें पता भी नहीं चला, कब किया आपने? कुछ नहीं, मैं जा रहा था तो देखा कि टिमली अपने स्कूटी से लड़ रही थी, बातें कर रही थी। एक ही बात है। तो जब गई तो मैं उसकी स्कूटी के पास गया, देखा तो स्पार्क प्लग में कचरा आ गया था, साफ किया तो हाथ काले हो गए। हाँ, पर स्कूटी तो ठीक हो गई। तो ये भी हुनर है आपके पास? ये हुनर नहीं, जरूरत है। सब चीज मैनेज करके रखना पड़ता है। कल अगर मान लो कि आपकी गाड़ी कोई वीराने में खराब हो गई तो आप क्या करेंगे? तो आपको बुला लूंगी। ये आपके हाथ में क्या है? अरे, माँ ने खीर बनाई थी। अरे वाह, लाइए। कहा आपको भी खिला दूं। कुछ लोगों के हाथ का बना हुआ खाना अब जिंदगी भर याद रखता है। रवा के हाथ की खीर अनफॉरगेटेबल। 17 साल पहले की सारी बातें याद है आपको? मेरी अंतरात्मा है, जैसे इंसान अपनी परछाई से जुदा नहीं हो सकता, वैसे मैं अपनी यादों से और उन्हीं की बदौलत तो मैं आज यहां आप लोगों के साथ हूं। पर मां और आपकी दोनों की जाती है, दोनों उन यादों के बारे में कुछ बताता ही नहीं है। अपनी जुबान से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा खोल के कोई नहीं दिखा सकता। पर क्या कीजिएगा इन यादों का? इन्हीं यादों के सहारे आगे का सफर चलेगा। नई यादें संजोनी है आप लोगों के साथ। पर फिलहाल ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन असंभव नहीं। फिर कब तक? जब तक ये नहीं हो जाता तब तक। और खीर खत्म हो गई है, अगर कुछ और मिलेगी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं पूरा पतीला भर के ले गया। जी हाँ, मैं बागवानी करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? 50,000 पर फ्लोर।
जी हाँ, मैं प्रभा बोल रही हूँ। जी हाँ, मैं बागवानी करती हूँ, पर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? ओ अच्छा जी, मैं अपने घर से करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? 100 पौधे? 50,000 पर फ्लोर? पर आपने मेरी बागवानी देखी कहाँ है? बेचा था? जी जी बिल्कुल, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपको अपना एड्रेस SMS कर दूँ? जी ओके, थैंक यू वेरी मच। किसका फोन था माँ? क्या सोच रहे हैं? कोई मिस्टर चड्डा का फोन था। मिस्टर चड्डा? कौन है? वो एक नई बिल्डिंग बन रही है तो उसका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यही संभाल रहे हैं। उन्होंने हमें फोन क्यों किया? याद है कुछ दिनों पहले हमने 40 गमले बेचे थे? हाँ। इन्होंने वो गमले देखे और उन्हें पौधे बहुत पसंद आए। अच्छा, वो है ना अपनी बिल्डिंग के हर फ्लोर में 100 पौधे लगाएंगे और उसका कॉन्ट्रैक्ट वो हमें देना चाहते हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो हमें बताएंगे कि उन्हें कौन कौन से पौधे चाहिए। पैसों की बात किया उन्होंने कुछ? हाँ की तो है, एक आदमी आएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेकर और पौधों की लिस्ट भी लेकर आएंगे। और पता है 50,000 रुपए मिलेंगे हमें हर फ्लोर के। 50,000? ऐसा कहा है उन्होंने। अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ, इस ऑफर को हम लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। हम सब मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। इसी बात पे मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ, लड्डू लेकर आती हूँ। आप तो बागवानी करती है ना? आजकल हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा जोर है। इनफैक्ट लोग प्लांट्स को खरीदते बेचते वगैरह सब है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स जमा कीजिए। लेकिन ये कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे कहाँ से? कौन देगा मुझे? देगा? कोई ना कोई तो देगा। अरे बात फैलती है, 1 से 2, 2 से 4। सपने मत दिखाइए आप मुझे। सपने ही साकार होते हैं, अब देखे तो सही। मार्था आंटी के डॉगी को ना बेटा हुआ है। जी, कुछ भी क्या हुआ बताइए ना। माँ को ना एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? माँ को ना फोन आया था हर महीने 100 पौधे के। वो वर्सोवा में एक बिल्डिंग बन रही है ना, तुम्हें पता है उन्होंने कितने पैसे ऑफर किए? कितने पैसे? इमेजिन, 50,000 महीना। सीरियसली दी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बाय द वे, आपने लड्डू खाया? हाँ, सबसे पहले मैंने ही खाया। नहीं, नहीं, खाया नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा ला ला। और मुझे तो लड्डू खाना बनता ही बनता है। पर जब से सुना है ना, मैं तो बड़ी। ये कोई फेक कॉल तो नहीं थी ना? अरे नहीं नहीं, मैंने कॉलर आईडी पे चेक किया, नाम और नंबर दोनों ही जेन्युइन है। और फिर सुबह वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आ जाएंगे और शाम को कोई आदमी आके समझा भी देगा। पर दीप, ये उन लोगों को कैसे मालूम कि माँ पौधे लगाती हैं? बोल ना, क्या बोल रहा था? संभवी के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ बहुत परेशान हो जाता हूँ। संभवी तुमसे जुदा होकर लंदन तो चली गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहां भी वो खुश नहीं हो।
थोड़े से अनजाने। उन लोगों को कैसे मालूम कि माँ पौधे लगाती हैं? तुमने टीवी नहीं देखा क्या? अरे ब्रेकिंग न्यूज था दी। आप भी ना। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि कैसे पता चला? बस हमें अच्छा काम मिल गया, हमें ईमानदारी से पैसे कमाने, बस। वेरी गुड दी। बट हाँ, आप ना प्लीज माँ के साथ रहना। आई नो माँ से अकेले ये सब नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स, गार्डनिंग मेरा और माँ का कंबाइंड शौक है। अच्छा, आप दोनों का बिजनेस चल पड़ा तो हम लोग पराये हो गए, हम बाहर वाले हो गए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, हमसे अलग थोड़ी ना, हम चारों एक ही है ना। ये हुई ना बात। अच्छा वो मिस फाइटर का है? अब दी शायद तिमली जिम गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, मैं माँ को लड्डू खिला के आती हूँ, ठीक है? दी हाँ, एक और लड्डू तो बनता है ना। वाह यार, तो सच में अच्छी खबर है। Not bad. Thanks, yeah, thank you so much. संकल्प, हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम बार बार थैंक्स क्यों बोलते हो? मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ हाँ, ओके, नो थैंक्स, ओके? लेकिन सच में तूने मेरे मन का इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया, रियली। हाँ लेकिन एक बात याद रखना कि मैं समझ गया कि ये चीज प्रभा को बिल्कुल भी पता नहीं लगनी चाहिए। अच्छा एक और बात, प्रभा को और शामली को एक चीज का ध्यान रखना है कि शेड्यूल डेट्स पे पौधों की डिलीवरी हो जानी चाहिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये मेरा वादा है, मेरा आश्वासन है। अरे तुम्हें वादा करने की, आश्वासन देने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिंदगी के जिस दौर से तुम जा रहे हो, जिस समय से तुम जा रहे हो, वो बस सुखद और अच्छा रहे, बस यही मनोकामना है। तुम्हारी जिंदगी की वीरानियां तो मैंने देखी है। मैं क्या पूछा? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बोला। पूछा क्या? बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि संभवी के बारे में मैं जब भी सोचता हूं ना, बहुत परेशान हो जाता हूं। संभवी तुमसे जुदा होकर लंदन तो चली गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहां भी वो खुश नहीं होगी। संकल्प बहुत परेशान चल रहा था इन दिनों में, तो मैंने इसे कहा कि हम प्रभाजी के यहाँ चलते हैं, मैं प्रभाजी से बात करूंगा। आप इनकी पैरवी करने आए? मैं तो बस इतना कहने आया था कि 17 साल इन्होंने इंतजार किया, अब जब आप लोग आमने सामने हैं तो अपनी बात कहने के लिए बाहर वालों का सहारा लेना पड़ जाए तो अपने तो हो ही जाते हैं ना थोड़े से अनजाने, या फिर पूरी तरह से बेगाने।